यहाँ पर आज हम बना रहे हैं नेक डिज़ाइन। तो ये जो नेक डिज़ाइन है ये बहुत ही खूबसूरत बनता है, यानी कि इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग लाएंगे हम, देखिएगा आप। तो यहाँ मैंने पहले टैटरोन कटिंग किया है, ये जो टैटरोन है मैंने ज़्यादा चौड़ा कटिंग नहीं किया है। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा चौड़ी तबीज़िया लगानी है, यहाँ मैं तबीज़िया का डिज़ाइन लगा रही हूँ, और तबीज़िया लगा रही हूँ लेकिन उस तबीज़िया में भी डिज़ाइन है। तो देखिए यहाँ मैंने चौड़ी पट्टी ली है टैटरोन की, उसके नीचे प्लेन पट्टी रखी है और उसके नीचे प्रिंटेड, यानी कि जो प्लेन है वो मेरा ट्राउज़र का कपड़ा है और प्लेन की मेरी पेटी है। तो अब मुझे पेटी पे ही डिज़ाइन लगाना है, इसलिए मैंने बीच में ट्राउज़र का कपड़ा रखा है और नीचे पेटी का। यहाँ मैं इसको इस तरह से पलट दूंगी तो ये पैक पाइपिंग निकल जाएगी हमारी। अब यहाँ पर हम इसको पलट के सिलाई लगा देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं टैटरोन अंदर चला गया है और पाइपिंग भी पैक आ रही है हमारी। तो यहाँ हम बिल्कुल बराबर में पाइपिंग की सिलाई लगा देंगे। इसको हमें हल्का हल्का खींचना होगा क्योंकि अंदर जो है वो पैक जो है वो चीज़ अंदर सुखड़े ना, तो यहाँ पर इसलिए हम हल्का हल्का सा निकाल करके उसके बाद यहाँ पर बारीक सिलाई लगाएंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पाइपिंग में सिलाई लगा ली है। यहाँ अंदर है कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा, यानी कि जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है। अब मैं यहाँ टैटरोन के ऊपर सिलाई नहीं लगा रही हूँ, यानी कि बिल्कुल टैटरोन से एक पैर दूर मैंने सिलाई लगाने स्टार्ट की है। इस तरीके से मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब मैं इस जो सिलाई लगाई है उससे भी एक पैर दूर कटिंग कर रही हूँ, तो लगभग लगभग ये हमारा आधा इंच के आसपास हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग हो जाता है टैटरोन के बाद। ये मैंने दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं, ये मैंने दो पट्टी तैयार की हैं। तो यहाँ मैं बता दूँगी आपको कि दो पट्टियाँ हमें लगानी कैसे है। तो देखिए ये जो मेरा पार्ट है यानी कि पेटी का, तो ये मैं पेटी में पहले एक पट्टी इस तरह से रख लूँगी, बिल्कुल बीचम बीच अपनी पेटी के बिल्कुल बीचम बीच में एक पट्टी रख रही हूँ। मतलब जो बीच का निशान होता है उसके एक साइड, यानी कि एक साइड एक पट्टी रखनी है और दूसरी साइड एक पट्टी रखनी है। तो पहले मैं एक पट्टी रख करके मैंने ये जो पाइपिंग है वो बिल्कुल बीचम बीच में निशान के मिला करके चल रही हूँ, यानी कि ध्यान रहे कि ये जो मैं कह रही हूँ जिस तरीके से वो आप समझ सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बीचम बीच होता है पेटी का वो पाइपिंग के बीचम बीच आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे मैंने दूसरी पट्टी लगाने स्टार्ट की है। तो यहाँ पे मैं पहले ये सिलाई लगा लूँगी। ये आप देख सकते हैं पाइपिंग मैंने बीच में निकाली है, तो ये इसलिए इतनी खूबसूरत लग रही है। अगर हम प्लेन पट्टी ऐसे ही लगा देते तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियाँ अपनी लगा ली हैं इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे इतनी छोटी छोटी पट्टियाँ ली हैं, ये देख सकते हैं आप, एक प्रिंट वाली और एक विदाउट प्रिंट। तो मैंने ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किया था वो अंदर को फोल्ड करके, यानी कि इस तरीके से हम अंदर फोल्ड करते जाएंगे, ये मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए ही कटिंग किया है। ये मैंने एक चौक का मार्क किया है, तो ये चौक का मार्क मैंने अपने नेक के लिए किया है कि जितना बड़ा मुझे नेक रखना है मैं पहले उतनी जगह छोड़ करके और वहाँ से ये समोसे लगाने स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पहले मैंने इतनी छोटी छोटी पट्टियाँ काटी हैं और काटने के बाद जो है मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल मिला मिला के लगा दूँगी। ये हमें बहुत छोटे छोटे लगाने हैं, दोनों साइड लगाएंगे हम, तो इसलिए मैं ये काफ़ी छोटे छोटे लगाऊंगी। ये एक सार रखने हैं, जो छोटा वाला है वो थोड़ा सा मुश्किल में रखा जाता है, पर वो भी आपको इसका एक सार रखना है, दोनों चीज़ें एक सार रख के चलनी है। इस तरीके से मैंने जो ये हैं अपने तिकोने लगा लिए हैं, समोसे लगा लिए हैं यहाँ पर। ये देखिए हमारी पाइपिंग है। यहाँ पर आप बटन लगा सकते हैं, शो बटन लगा सकते हैं, मढ़े बटन लगा सकते हैं, यहाँ अपना नेक बना सकते हैं आप। और ये इतना खूबसूरत लग रहा है गला बन के।